सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड गेम शो, वेलकम टू एसएसपी द फाइनेस्ट एंड इजीस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, लास्ट वीडियो जो था दैट वाज बेस्ड ऑन कि हम किस तरीके से अच्छे अच्छे डिग्रीज पे फोकस करें कि नीट में हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और कौन कौन से बेस्ट हाई यू नो सैलरी वाले कोर्सेस हैं। तो बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, थैंक यू सो मच, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जिस तरीके का काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ, बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल वीडियोस की प्लानिंग करके रखा हूँ। और चिंता मत करिए, आपकी एग्जाम बोर्ड की नज़दीक आएगी, नीट की एग्जाम जल्दी से नज़दीक आती है, जैसे ही नज़दीक आती है और जल्दी से मैं वापस आप लोगों को लाइव आकर के पढ़ाने लगूंगा एंड आई एम प्लानिंग समथिंग डिफरेंट फॉर यू गाइज। लेकिन मुझे जिंदा रखने के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों के जो कॉमेंट्स है। अभी आज ही आज एक बच्चे का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि सर चाणक्य नीति 3.0 स्टार्ट करिए। ट्रस्ट मी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया, भावुक हो गया कि अभी भी आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। और अगर आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे, लगातार कमेंट्स करते रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके एसएसपी सर को आपसे छीन ले, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि सर पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए बताए, तो फिर पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बताओ। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चा, क्योंकि बहुत देर तक समय निकाल करके ऑफिस में से बहुत सारी मीटिंग्स को शेड्यूल जो भी है उसको थोड़ा सा कैंसिल करके मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके लिख लिख करके पूरा प्लान कर रहा हूँ। और कुछ हेल्प हमें शुक्ला जी ने भी किया है, तो क्रेडिट गोज टू शुक्ला जी एज वेल, अब वो भी हम लोगों के साथ बैंगलोर में कॉन्करवर ज्वाइन कर चुका है। तो बच्चा लोग, पीसीएम विदाउट जेई, सबसे पहले तो आपके माइंड में से ये चीज निकाल करके फेंक दीजिए कि आईआईटी जेई करके ही लाइफ में कुछ अच्छा किया जा सकता। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ स्टूडेंट्स के, बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑल दो स्टूडेंट्स आर हकदार, क्योंकि वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी जेई नहीं करने के बावजूद भी बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रेडिक्शन या पहली थॉट अगर आपके माइंड में है कि सर आईआईटी जेई करने वाला या नीट क्वालिफाई करने वाला ही स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है, ये दरअसल गलत है। बहुत बेहतर ऑप्शन भी है, लेकिन हमारे सोसाइटी में और हमारे स्कूलों के अंदर ना ये सबसे बड़ी विडंबना है बच्चा लोग, कि कोई बताता ही नहीं है कि बच्चा अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज ऑल्सो अ स्कोप, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे लगभग 7 या 8 कोर्सेस मैं आज आपके सामने रखूंगा, एक एक करके समझना ध्यान से, और उस पर डिटेल में आप गूगल पर आप रिसर्च करना। बट आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको अपनी तरफ से ये कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ अलग आपको दे पाऊँ जो आपके स्कूल के अंदर कोई नहीं बता रहा, टीचर्स आपके नहीं बता रहे, या कहीं पर भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं मिल रही, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा लोग बैचलर ऑफ साइंस की। बट उससे ही पहले, इफ यू ऑल आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अगर पहली बार आए हो, तो फिजिक्स का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब तक सांसें हैं, कोई भी यहां से फिजिक्स का कोई भी कंटेंट कभी भी प्राइवेट नहीं करेगा, ना ही तो किसी का भी इस पर अधिकार होगा। सिर्फ एक ही लोगों का अधिकार है, और वो है मेरे एसएसपीएन बच्चा पार्टी। सो यू ऑल गाइज कैन एक्सेस द एंटायर 12 साइंस फिजिक्स वीडियो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर नए हो तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, बिकॉज अब मैं करियर रिलेटेड भी अब बहुत सारे आपके लिए वीडियोज बनाते रहता हूँ। तो बच्चा, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, ट्वेल्थ में साइंस लिया है आपने, पीसीएम है चाहे पीसीबी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हमेशा सवाल रहता है। मैं 2017 तक ऑफलाइन में पढ़ाता था, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते थे कि सर क्या बीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में बहुत सारी आईटी कंपनी बीएससी होल्डर्स को रखती है। ऐसे ही बीएससी जैसा एक बीसीए होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनको भी हायर करती है। जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी जेई करके ही या फिर कुछ बहुत अलग बड़ा सा करके ही आप जो है अच्छी कंपनीज में आ सकते हो, ऐसा नहीं है। बीएससी देखिए, आज के 10 साल या 15 या 20 साल पहले किसी घरों के अंदर, पूरे गांव के अंदर एक या दो इंजीनियर्स हुआ करते थे, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हर घर में इंजीनियर्स है, बीएससी कहीं नहीं है। तो धीरे धीरे ना, मैं ये नहीं कहूंगा इंजीनियरिंग का टाइम चला जाएगा, बट वो स्कोप, क्योंकि हर कोई भीड़ चाल की तरह सारे को लोगों को देखो तो इंजीनियरिंग करने के पीछे ही भाग रहा है। लेकिन बीएससी जैसे एक डीप डाइव वाले नॉलेजेबल फील्ड की तरफ कोई नहीं जा रहा। बट मैं आपको बताऊं, अगर आपको इंटरेस्ट है, मैथ से बहुत प्यार है, या आपको लगता है आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, आपकी और आपकी वाली के साथ केमिस्ट्री वाला नहीं, या आपका वाला आपके वाले के साथ केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री नहीं, रसायन विज्ञान, अगर आपको लगता है आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा समझते हो और केमिस्ट्री के अंदर और डीप डाइव करना चाहते हो, या फिजिक्स बहुत पसंद है, या आपको लगता है कि मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, इसके अंदर आप बहुत ज्यादा रिसर्च करना चाहते हो, That then that is the good option, my dear बच्चा पढ़े, and that is all about the BSc.
बीएससी के अंदर आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ये चीज नहीं सोचना है कि यार मैं किसी यू नो इंजीनियरिंग के लिए या किसी नीट रिलेटेड करियर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ कुछ सीखने के लिए, ठीक है। तो आईटी कंपनी बहुत सारे बीएससी होल्डर वालों को जो है रखती है, अच्छे खासे डिग्री होल्डर जो होते हैं उनको रखती है और अच्छे खासे पैकेजेस भी देती है। एक और चीज मैं बोलूंगा बच्चा, बीएससी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एक बहुत बड़ा मतलब फील्ड है। अगर आप कहिएगा तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि क्या हम बीएससी के अंदर कौन कौन से जो है वेरियस फील्ड्स हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट कर देना खाली, ठीक है। और बहुत जल्द मैं पढ़ाने वाले वीडियोस पर भी आने वाला हूँ। तो फिजिक्स से आप बीएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, इफेक्ट एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज हैं जहां से आप बीएससी करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नॉलेज लेना है तो दिस इज रियली एन अमेजिंग ऑप्शन। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चा लोग तो इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज। अब आप बोलेंगे सर ये तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी हाल ही में सबसे ज्यादा हिट हुए हैं और एक तरह से मेरे आइडल रह चुके हैं इन द सेंस अभी भी हैं, सर गौरव तनेजा, कौन उन्हें नहीं जानता, फ्लाइंग बीस्ट, हस्बैंड हैं, तो बच्चों के पिता हैं, पायलट रह चुके हैं, ब्लॉगर हैं, और जो है उन्होंने कई बार बॉडी जिम करके बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और अब हाल ही में वो इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे जगह पर काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और वो साथ में लॉ भी कर रहे हैं। सिंगल पर्सन एंड मैनी फेसेस, दैट्स रियली एन अमेजिंग, जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो उन्होंने यार आईआईटी की तैयारी करी, पायलट भी थे, सब कुछ थे, और उसके साथ अब लॉ कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लॉ नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने सर ने तो गौरव सर ने बहुत लंबी प्रोसेस मारी है, पैरेलल में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप जो है डायरेक्टली कर सकते हो और एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इवन साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अगर लॉ करते हैं तो अगर मान लीजिए कि बहुत सारे वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक स्पेशल छूट मिल जाती है। लाइक अगर आप यूपीएससी एसएससी की तैयारी करते हो और साथ में आपने लॉ की भी डिग्री रखी है जिसमें एलएलबी एससी से है, कॉमर्स से है, ये प्लस एलएलबी या बीबीए प्लस एलएलबी है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत सारे अच्छे चांसेस मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने दो बार गलती से कॉमर्स एलएलबी लिख दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा, राइट। तो ये बच्चों ये स्लाइड भी मैंने रखा है और मैं लिखने की जो समझाया हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है एक और बहुत ही बेहतर फील्ड जो कि हमारे पीसीएम वाले बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये मैं बताऊं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जरूरी नहीं है कि अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं या आप साइंस स्टूडेंट हैं तो ही कर सकते हैं। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये डिग्री को ऑप्ट कर सकते हो। और सबसे खास बात होती है कि ये 5 साल का ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम है और इसके अंदर जो गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, लाइक फ्लाई ओवर है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल्स है, जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक अच्छी खासी क्वालिटी लाइसेंस हासिल कर लीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। दैट डिपेंड्स एक्सपीरियंस कैसा होता है, टेंडर पास होता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे ब्रिज का काम चल रहा है अभी, मैं अगर आज बैंगलोर में बैठा हूँ तो बैंगलोर में बहुत सारे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। अगर आप किसी भी शहर में हैं तो उन तमाम शहरों में बच्चों ये काम चलता रहता है, तो वो कौन करता है, वो आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट होता है वही करता है। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जरूरी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज बताऊंगा मैं, जो मैंने रिसर्च करा तो फिर पता चला मुझे कि जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, बैटरी लो हो रही है इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ सर से पॉज करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चा पार्टी, कोरा करके जो एक वेबसाइट होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था इन सभी चीज़ों पर तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर आर्किटेक्चर करने के लिए आईआईटी जेई जरूरी है क्या। देखिए, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिन्होंने ये रखा हुआ है, बट बहुत सारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिनमें ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको आईआईटी जेई कंपलसरी करना ही है, ठीक है। तभी तो मैंने कहा कि कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। तो आपका ये सवाल का जवाब, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करना, बिकॉज मैं कॉमेंट्स सभी बच्चों के इस पर रीड कर रहा हूँ बहुत समय से, जितने भी वीडियोस जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो मैं आप सभी के कमेंट जरूर रीड करता हूँ। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज, मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, टीचिंग कोर्स। आज के टाइम में इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट इसी से रिलेटेड है, एंड वन ऑफ माई बेस्ट एंड बेस्ट कह सकता हूँ मैं टीचर, जिनसे सही बच्चे प्यार करते हैं। और 2018 में मुझे याद है सर से थोड़ी सी मेरी बात हुई,
बट आई बिकेम अ ह्यूज फैन, बड़ी दिल से उनसे रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत प्यार करते हैं सारे बच्चे, एंड हम सभी सर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अलग सर कौन नहीं जानता उन्हें, फिजिक्स वाला सर, राइट? तो कंग्रेचुलेशन अलग सर, इतना बड़ा जो है सर ने जो है एक कंपनी जिसको कुछ साल पहले वहाँ पर मैं था और उसे छोड़ा मैं दूसरे जगह पर गया, और सर को बहुत सारे ऑफर आए लेकिन सर ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और बच्चों का जो प्यार है उस प्यार से ही आज वो इतना बड़ा जो है अपना एक समझ लीजिए ना साम्राज्य मैं कह सकता हूँ वो सर के पास है। तो यार ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, मैं इसमें क्या ही बताऊँ, इससे आपको साफ साफ पता चल जाता है कि टीचिंग एक कितना बड़ा ऑप्शन है। अकेले सर ने 2000 से भी ज़्यादा लोगों को काम दे दिया है, तो इंडिया में अब क्या चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग की तरह से, मैं तो चलो उस लेवल पर नहीं पहुँचाऊँ लेकिन जितना भी मैं पहुँचाऊँ, बहुत दिल से रिस्पेक्ट है सर के लिए। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल सी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि टीचिंग कोर्सेस, आप अगर आपको किसी भी, देखो जैसे इंटरेस्ट आ रहा है कि यार मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, मैथ्स बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप बीएड कर लो, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर बनना है। अब आप ये मत कहो कि सर हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर नहीं बनना चाहते, हम ऑनलाइन यूट्यूब पर अगर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप जैसे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जा करके उनकी दशा को चेंज नहीं करेंगे, हमारा भारत बदलेगा कैसे? मैं आज आपको बताता हूँ, आज मैं और अरविंद अरोरा सर क्यों कि कॉन्कर वर्ल्ड जैसा इनिशिएटिव लेकर के आए जहाँ पर हम बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि आज भी भारत का बहुत सारा गांव ऐसा जहाँ पर बच्चों के पास में मोबाइल फोन है लेकिन वो बच्चे सही डायरेक्शन में नहीं है। सारी सुविधाएं तो हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अभी भी चीजें अच्छे से नहीं पढ़ाई जा, सारे गवर्नमेंट स्कूल की हालत नहीं, बट अभी भी 70-80% हमारे गाँव के स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, मिड डे मील के नाम पर लोग कुछ भी खिलाते हैं, वो मनीष कश्यप का वीडियो हर जगह पर वायरल होता रहता है, राइट? तो हमें और आपको ही आगे आना पड़ेगा। तो 12th साइंस के बाद में अगर आपको लगता है टीचर बनना है तो बीएड करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बीएड करिए बहुत अच्छी स्कूलों के अंदर, आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर, फिर वो केट की एग्जाम होती है, सीईटी, हिमांशी सिंह मैम कौन नहीं जानता, वो हमारे साथ कॉन्कर वर्ल्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, ह्यूज फैन अगेन। तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं और इतने अच्छे अच्छे लोग आपको इंस्पायर करने के लिए अरविंद अरोड़ा सर स्वयं जो मेरे इस समय भाई हैं, पार्टनर हैं कॉन्कर वर्ल्ड के अंदर, कौन नहीं जानता। तो ये सब कहाँ से निकले हैं बच्चा? टीचिंग से ही निकले हुए हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स काफ़ी हैं मुझे बताने के लिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको पढ़ाने में मजा आता है तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट दिस बीएड का कोर्सेज, ठीक है? एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर पीडब्ल्यू सर। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप ज्वाइन करने वाले हैं क्या, बिकॉज आपने वेदांतु छोड़ा है। तो अभी इस वक्त जिस हालात में वो अच्छा, बिकॉज ऑलरेडी मैं अपना ही कुछ प्लान कर रहा हूँ, बट देखेंगे फ्यूचर में अगर कुछ रहा तो डेफिनेटली जुड़ेंगे और आपसे बच्चों के लिए वापस कुछ बड़ा करेंगे, है ना? चलिए, तो बीएड करोगे अगर आप तो स्कूल में पढ़ाने को मिल जाता है, अच्छी खासी पैकेजेस और सैलरी भी होती है। मैंने खुद स्कूल से पढ़ाना शुरू किया था, बट मैंने बीएड बाद में किया था, मैंने इंजीनियरिंग करा था। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर इंजीनियरिंग करके बीएड कैसे, तो यार इट्स ऑल अबाउट आपको क्या पसंद है, फिर दुनिया चाहे जो भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। बच्चों आपको मजा आ रहा है, जो चीज़ काम करने में मजा आ रहा है तो फिर वो करिए। मैंने इंजीनियरिंग करा, उसी समय से पढ़ाता था, उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, बिकॉज मैं स्कूल में पढ़ाता था, तो स्कूल में पढ़ाने के लिए कंडीशन होती है कि आपको बीएड करना पड़ता है, तभी आप जो है पेपर चेकिंग में जाओगे, तभी तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बोर्ड में पेपर कैसे चेक करते हैं। फिर मैं पढ़ाते हुए लाइव सेशन में वेदांतु में अक्सर आपने सुना होगा कि मैं हमेशा कह रहा था कि वैसे शिक्षक कान से चार बाल निकले होते हैं वो अक्सर जो है अपनी जो गुस्सा होता है वो पेपर चेकिंग में निकालते हैं, राइट? पेपर चेकिंग में गया हुआ था तो वहाँ से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है? तो पीएचडी करते हैं आप तो कॉलेज लेवल पर एडहॉक पे आप पाते हैं अच्छी खासी सैलरी, वहाँ पर मिल जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन विदाउट डूइंग आईआईटी एंड इंजीनियरिंग आफ्टर पीसीएम 12th साइंस। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी, ये लड़कियों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, बड़े बड़े घरों की जो लड़कियाँ होती हैं वो ये कोर्स करती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके अंदर भी सेंस है और आपको लगता है कि आपको ये कला बहुत ज़्यादा लुभाती है, देखो इट्स ऑल अबाउट मोहब्बत, प्यार, किसी भी चीज़ से अगर आप प्यार करते हैं वो चीज़ आपको करना चाहिए। बहुत बड़ा फील्ड है बच्चा लोग, ये इंडस्ट्री में आप ले लीजिए, बॉलीवुड का तो क्या ही कहना, लेकिन कोई भी इंडस्ट्रीज हो, एंड फैशन डिजाइनिंग का कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप किसी भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चीज़ के साथ धमाका कर सकते हैं। सो फैशन डिजाइनिंग एंड टेक है, फैशन कम्युनिकेशन है, फिर यहाँ पर देखिए तो मैंने लिखा भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर आपने बाबा एसएसपी का घर देखा होगा तो वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने किया था। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मरीन फील्ड कोर्स, अगर आपको समुद्र से बहुत प्यार है, समुंदर से बहुत प्यार है और आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, तो आप मरीन फील्ड के कोर्सेस कर सकते हैं जो हमारे कौन से सेना होते हैं, मैं भूल रहा हूँ मैं, लेकिन ये हाथ मेरे पास आ गए, हाँ मैं भूल रहा हूँ, नहीं मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सॉरी, प्यार है, ब्यूटी ऑफ सी, डिफरेंट कल्चर, ट्रैवल, तो फिर बच्चा मरीन फील्ड कोर्सेस आपको अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, बीएससी से भी कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर मिलेगी, जस्ट अबाउट कि मैं आपको स्पार्क कर रहा हूँ कि आप दिमाग लगाएं। लॉजिस्टिक एंड शिपिंग वाली मरीन फील्ड की कोर्सेज हैं, नॉटिकल साइंस है एंड शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर की भी मरीन फील्ड के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें किसी भी तरीके की आईटीजे की कोई आवश्यकता नहीं होती और आप अपना करियर बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एविएशन कोर्सेज, बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि सर अगर एविएशन फील्ड में आना है तो आईआईटी, जेई, बीटेक, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एविएशन सेक्टर के अंदर काम बहुत सारे हैं। जब भी आप देखते हो पायलट को, पायलट का काम होता है, जब आपके दिमाग में क्या आता है अगर एक प्लेन की मैं बात करता हूँ तो पायलट नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम द पायलट देयर आर लॉट ऑफ थिंग लाइक जैसे ग्राउंड पर रिपोर्ट करना, फिर बहुत सारे काम होते हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मतलब बहुत सारे एविएशन सेक्टर के अंदर बहुत सारे काम है, कुछ उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी, एयरपोर्ट की मैनेजमेंट हो गई, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग हो गई, ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू ट्रेनिंग हो गई, एविएशन हॉस्पिटैलिटी हो गई, एएमई दैट इज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये डायरेक्टली 12 साइंस के बाद आप जंप मार सकते हो, पीसीएम अगर आपके पास था तो आप जंप मार सकते हो, नो नीड ऑफ एनी आईआईटी एंड जेई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट यानी होटल मैनेजमेंट के अंदर आपको पता ही होगा ताज, कौन नहीं जानता, मुंबई का जो ताज, वो ऐसे बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उसके अंदर मैनेजमेंट बीबीए जो की होता है, सॉरी बीएचएम जो की होते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, उनको रखा जाता है, उनकी सैलरी बहुत ज़बरदस्त होती है, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी, कैसे कैसे बात करना, वो जो शेफ होते हैं उनके, उनका किस तरीके का रोल होता है, तो बहुत बड़ा फील्ड अपने आप में ही है और ये भी आप 12 साइंस के बाद कर सकते हैं, इवन पीसीबी वाला स्टूडेंट भी इसे कर सकता है। तो ये आपके बेहतरीन कोर्सेज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, अगर लोग बस ये सोचते हैं कि साइंस के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल ही है, तो मैं सच बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, दीज आर द कोर्सेज जहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा कर सकते हो। तो 8 कोर्सेज मैंने पीसीबी में बताए थे बच्चा लोग, और 8 कोर्सेज मैंने आज पीसीएम में बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग अपना प्यार जरूर शेयर करेंगे, अपना प्यार जरूर शेयर करने के लिए बस प्यारा सा एक कॉमेंट कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन दबा देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछता हूँ जिसका आंसर मुझे कॉमेंट में चाहिए। आपको बोर्ड 2023 के वीडियोस चाहिए या नीट 2023 के चाहिए? क्योंकि जब मैं वेदांत ऊपर था तो नीट के बच्चों को पढ़ा रहा था, मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा बच्चा, जब आप लोगों का प्यार मिलेगा ना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता पढ़ाने, ठीक है, और कोई रोक भी नहीं पाएगा, और मैं डेफिनेटली कम बैक करेगा, मैं आएगा, बस मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, बस मुझे जरूरत है आपके प्यार, साथ मत छोड़िए, आप लोग साथ छोड़ देते हैं एग्जाम खत्म होते हैं तो बहुत दुख होता है, तो बस कमेंट करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं नीट 2023 के लिए आपको पढ़ाऊं तो बोर्ड का अपने आप तैयारी होगा, और फिर बोर्ड जैसे ही नज़दीक आएगा तो हम लाइव कर लेंगे, तो आपके मैक्सिमम कमेंट्स जिसके ऊपर होंगे बच्चा लोग, उनके वीडियोस आपको लाइव क्लासेस के अंदर मिलने से, ठीक है। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच माय ऑल एसएसपीएन। आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम के अंदर 12th बोर्ड के हैं, आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर डेली मैं कुछ और वीडियोस भी बनाता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस होता है और मेरे लाइफ से रिलेटेड जो भी कुछ इधर उधर की मस्ती होती है, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज अगेन योर सचिन सर फिजिक्स, जिसके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मॉम, ठीक है बच्चा लोग, लव यू ऑल, जय हिंद।